नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। गोंदिया जिले में दीप जलाकर और रंगोली बनाकर 22 तारीख को होने वाले त्योहार की तैयारी। गांव-गांव निकाली जा रही राम सीता की रथयात्रा। राम सीता की रथयात्रा के लिए घर के सामने पूजा की थाली लेकर महिलाएं, राम सीता और हनुमान के दृश्य, डीजे बजाना, नाचना गाना, त्योहार की तैयारी। गोंदिया जिले के गांव-गांव में अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जश्न की तैयारी हो रही। वहीं गोंदिया के काठी बिरचोला में ग्रामीण 3 से 4 दिन पहले से ही अपने घरों के सामने रंगोली बनाकर तैयारी कर रहे, दीप जलाकर उत्सव मनाया जा रहा। इसी तरह राम सीता की रथ यात्रा घर के सामने से गुजरी, इसलिए वे राम सीता की पूजा के लिए घर के सामने आरती कर लेंगे, रथ यात्रा का इंतजार कर रहे। जबकि 22 तारीख से पहले ही बड़े पैमाने पर जलसा शुरू हो गया, जिसमें हर गांव में बड़े उत्सव में डीजे बजाते और लोग नाचते गाते नजर आ रहे हैं। देखे पूरी खबर महाराष्ट्र गोंदिया से, सतीश पारधी की रिपोर्ट। देखिए, हम कोरनी विट्ठल रुक्मणी के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में काम करते हैं, और जैसा कि 22 तारीख को आपको मालूम है, आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पूरे देश में रामलला जी की स्थापना होने वाली, तो पूरा देश दिवाली मनाए। उस संदर्भ में हमारे क्षेत्र में पिछले 18 तारीख से ये यात्रा निकली, और इस यात्रा के माध्यम से हर घर में दिए जल रहे हैं, हर घर में रंगोलियां अभी से मांडी जा रही है, और उसी प्रकार हर घर में राम जी की जब पालकी आ रही है तो हर भक्त उनका स्वागत कर रहा है। पूरा क्षेत्र 18 तारीख से ही, आज से 3 से 4 दिन बाकी है 22 तारीख को आने को, अभी से ही पूरा क्षेत्र दिवाली मना रहा है, और पूरा क्षेत्र ये दिवालीमय हो चुका है और राममय हो चुका है। 22 तारीख को हर गांव में, हमारे क्षेत्र में हर गांव के मंदिरों में पूजा होने वाली है, हर मोहल्ले वाइज महाप्रसादी बंटने वाली है, हर गाँव में करीब करीब भक्ति संगीत के कार्यक्रम है। कोरनी विट्ठल रुक्मिणी ट्रस्ट द्वारा कोरनी घाट पर भी एक भक्ति संगीत का कार्यक्रम है शाम 5 बजे से 8 बजे तक, और हर गाँव में जिस समय 12:39 पे जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे, उसी समय हर गांव के हर छोटे बड़े मंदिर में पूरे क्षेत्रवासी पूजा याचना करने वाले, उसी प्रकार शाम को दिवाली के रूप में पूरे जश्न के साथ पूरे गांव में उस राम जी के आगमन का आनंद मनाने वाले।